गई है। अच्छा, कैबिनेट कमेटी में बहुत कम लोग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें सारी मिनिस्ट्री नहीं बैठती, कैबिनेट मिनिस्ट्री बैठती है, और वो जो बहुत ट्रस्टेड होती है इनकी, है ना। आप देखिए, अब जैसे इनकी बात करेंगे उससे भी कम बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर कौन बैठे हैं, अजीत डोभाल, ठीक, ये सब आईएएस ऑफिसर्स है, 1 2 3 4, क्योंकि सिक्योरिटी वर्ड लिखा है ना, तो इनका रहना बहुत ज़रूरी है। अजीत डोभाल साहब का चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र है। तो सोचिए, मिनिमम लोगों के बीच में क्लोज डोर के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कमेटी बनाई जाएगी। जब ये बन जाएगी फिर उसके मेंबर्स आएंगे। अभी क्या इन्हें जानना है ये देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर टुक, है ना, ओथ किसने साथ ली, इतने लोगों के साथ ली, ठीक है। 30 ऑफ देम आर द कैबिनेट मिनिस्टर, 5 इंडिपेंडेंट एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इट हेडेड बाय द, अब ये जो कैबिनेट सिक्योरिटी है इसमें प्राइम मिनिस्टर देते हैं, कमेटी डिस्कस डिबेट्स इज पीक एपेक्स बॉडी व्हेन इट्स कम द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल इन द नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज, इसके लिए सबको नहीं बैठाएंगे वो, ठीक है। ऑल मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन द डिफेंस पॉलिसीज एक्सपेंडिचर जनरली ऑल द मैटर्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। मेंबर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस, होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर, मतलब कौन बैठेगा, जयशंकर साहब, और इसके साथ चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब, ठीक है। फंक्शन, ये डील करता है इशू रिलेटेड टू द डिफेंस एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को देखता है, ये डिफरेंट इनिशिएटिव लेता है ताकि नेशनल सिक्योरिटी बढ़े। इट ऑल्सो डील्स अ पॉलिसी मैटर्स ऑफ द फॉरन अफेयर डेट मे हैव बियरिंग द इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जिसे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा देखी जाती है। इम्प्लीकेशन इंक्लूडिंग केसेज रिलेटिंग टू द एग्रीमेंट एंड अदर कंट्रीज ऑन द सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, अब दूसरी कंट्री से भी कोई एग्रीमेंट या सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ हैं वो भी यहीं डिस्कस किए जाएंगे। द कमेटी डिस्कस द पॉलिटिकल इशूज़ विच कैन इम्पैक्ट द सिक्योरिटी ऑफ आर नेशन, पॉलिटिकल इशूज़ भी देखते हैं, कोई राष्ट्रीय मुद्दा पार्टी का हो, किसी राष्ट्रीय पार्टी ने कोई मुद्दा दियो उसको भी ये टैकल करते हैं कि अगर पार्टी कुछ करी है तो उसके अगेंस्ट भी ये खड़े हो सकते हैं। तो एक पूरी कमेटी बनती है जो इसके लिए काम करती है, और एक बहुत जरूरी चीज है, कैबिनेट कमेटीज होती है, कैबिनेट कमेटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मीनिंग दे हैव नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली चीज, भारतीय संविधान में कैबिनेट कमेटीज नहीं दी गई है। दे आर पार्टली डिजाइन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ये क्या करता है, केंद्रीय कैबिनेट की चीज़ों को कंट्रोल करता है। स्मॉलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसमें, जो स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं उनको रखा जाता है। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड और रिकॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन अ न्यू गवर्नमेंट टेक्स ओवर और कैबिनेट अंडर गोज इन द रीसफल, जब कैबिनेट भी रीसफल होगा, मतलब समझना, जैसे आज डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ के बाद है, 3 साल बाद इसको बदल दें तब भी कैबिनेट बदलेगी, कैबिनेट कमेटी दोबारा बनाई जाएगी। अगर कोई मिनिस्टर का पद भी बदलता है कि अमित शाह को फिर डिफेंस और इनको होम दे दें, कभी कभार होता है ना केंद्र में कि मिनिस्टर ही बदल दिए जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अचानक से बदल दिया, है ना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो होगा तो भी बदला जाएगा। अभी तक जो कमेटीज़ हैं 8 हैं, कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी और इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ दी कैबिनेट, ये सारी अभी तक कैबिनेट्स बनी हुई हैं। अब बात आती है एक बहुत अच्छा न्यूज़।